बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं माता बहनों, सदगुरु कबीर ने कहा है, दोहरा कथि कहें कबीर प्रतिदिन समय जो देखी। दोहरा कहते हैं दोहे को, साखी, दोहा, चौपाई, इन सब माध्यम से सदगुरु कबीर अपनी बातें कहते हैं। दोहरा कथि कहें कबीर, लेकिन कौन सी बातें कहते हैं? प्रतिदिन समय जो देखी, रोज रोज दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्हीं सब बातों को देख करके मैं अपनी बात कहता हूं दोहों और साखियों में। कल जो घटना घटी उसके आधार पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने, संतों ने ये बातें कही कि किस प्रकार मौत अचानक आती है और हमारा सब कुछ छीन कर ले जाती है। हम लोग जिस दिन मौत होती है उसी को जानते हैं, लेकिन सच क्या है? हम सभी रोज प्रतिदिन प्रति क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। सुबह सूर्य निकलता है, शाम को अस्त होता है और हमारे जीवन के एक दिन को चुरा कर ले जाता है। और हमारे कितने दिन गए जीवन के? क्या हमने उन दिनों का को उपयोगी बनाया है, सार्थक बनाया है? कितने दिन ऐसे चले जाते हैं? अनुरुचे का ने साहब ने भी कहा है, कहते दिन ऐसे गए अनुरुचे का ने, कितने दिन तो ऐसे बीत जाते हैं जो व्यर्थ के होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। हमने दिन नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन उस दिन में जो हमने किया वे नुकसानदायक होते हैं। जबकि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का महत्व है, जो हमें जीवन में अवसर मिला है उस अवसर में धन कमा सकते हैं, विद्या अर्जित कर सकते हैं, बड़ा मकान बना सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, ऊंचे पद और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को दे करके हम जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते कि मुझे और थोड़ा मिल जाए, मैं और कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। एक व्यापारी था, बहुत धन कमाया और जब 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 3 करोड़ रुपये ही बहुत होते हैं और स्वर्ण मुद्रा हो, 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसने इकट्ठी कर ली। और जब धन इकट्ठा हुआ, उसके मन में हुआ कि अब तो मैंने बहुत धन कमाया, अब कमाई नहीं करूंगा, इस धन का उपयोग करूंगा, जीवन का आनंद लूंगा, सुख भोगूंगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। और जैसे निर्णय लिया, पीछे से मौत आकर कहती है, चलो वक्त हो गया। उस व्यापारी ने सोचा, अभी तो मैं धन कमा के फुर्सत पाया और मौत से क्या कहा? आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं धन कमा करके फुर्सत पाया हूं, अभी तो जीवन का आनंद लिया ही नहीं, अब मेरे पास अवसर है, इस धन का उपयोग करूं
और जीवन का आनंद लो। और आप कह रहे हैं कि चलो, मौत ने कहा नहीं, वक्त हो गया है, चलना है। और मौत शिकंजा कसने लगा। अब और के सामने हो तो आप हाथ जोड़ करके बच सकते हैं, लेकिन मौत के सामने, मौत के सामने बचने की कोई चांस नहीं है, और किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, धनपति हो, कोई मान्य नहीं रखता है। चाहे बड़ा विद्वान हो, मौत के सामने सभी नतमस्तक हैं। कबीर साहब जी ने कहा, एक तो निहुर पांव पर विनिमय, विनति किए नहीं माने हो, अन चिन्हे किए न चिन्हारी, सो कैसे पहचनबे हो। मौत आती है तो झुक झुक करके, निहुर करके, एक तो निहुर पांव पर विनिमय विनती करते हैं, विनति किए नहीं माने हो, मानेगी नहीं मौत। तो मौत आई और कहा चलो। उसने कहा, अंत में विवश होकर उसने कहा कि एक काम करते हैं, आप एक साल का समय दे दीजिए, एक साल का, न ज़्यादा दिन का सही, तो एक साल तो मुझे रहने दीजिए, ताकि मैं इस धन का आनंद ले सकूं, जीवन का सुख भोग सकूं। उसने कहा नहीं, समय नहीं है, चलो। अब क्या हुआ, उसने कहा कि ठीक है, एक साल का न सही, 6 महीना के दे दो। और फिर एक दूसरा तरीका अपनाया, क्या जो मनुष्य प्रायः करता है, क्या करता है वह मनुष्य, वही उसने किया। मौत से उसने कहा, मैं अपने 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में से 1 करोड़ आपको देता हूं, आप जहां कहें मैं चैरिटी कर दूं, दान कर दूं, या आप ले जाएं, लेकिन मुझे 6 महीने का समय दे दें। उसने कहा नहीं नहीं, समय हो चुका है, चलना है। फिर उसने क्या किया, समय घटाया और धन बढ़ाया, 3 महीने 2 करोड़ ऐसे बढ़ाता चला गया। अंततः 1 महीने में आया, 15 दिन में आया, 1 दिन। मौत ने कहा नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं है, हार गया। और क्या कहता है, 1 घंटे का समय दे दो, मैं 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा आपको दे दूं, 1 घंटे का समय दे दो। मौत ने कहा 1 घंटे का भी वक्त अब नहीं है, चलने का वक्त है। तब उस आदमी ने क्या कहा, उस व्यापारी ने कहा, अच्छा ठीक है, 1 लाइन दुनिया वालों को संदेश लिखने के लिए समय दे दो, 1 लाइन मैं लिख के जाना चाहता हूँ। मौत ने कहा ठीक है, 1 लाइन लिख सकते हो। उसने जो लाइन लिखी, क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? उसने लिखा, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को समझो, मैं 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर भी अपने जीवन के 1 घंटे को लौटा नहीं पा रहा हूं। वो स्थिति हमारे जीवन में भी आने वाली है। एक दिन जब कोई आदमी मरणासन्न में होता है, अर्थात डॉक्टर जवाब दे देता है कि इस आदमी को घर ले जाओ, सेवा करो, अब दवाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है, घर वालों को बता देता है यह आदमी 24 घंटे का मेहमान है, ऐसा कभी कभी डॉक्टर लोग बताते हैं ना, 24 घंटे 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाला है, 24 घंटे तक ही इसका जीवन रहेगा, शरीर रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वो आदमी भी सुना, घर के लोग सुने, घर ले आए, एक बिस्तर लगा करके सुला दिए, चारों तरफ लोग खड़े हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार और मित्र मंडली, आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, भैया ये कुछ देर का मेहमान और है, कुछ देर का मेहमान और है, और वह सुन रहा है। क्या महसूस करता होगा, छोड़िए उनकी बातें, वो क्या महसूस करता होगा, एक दिन तो हमारी भी स्थिति आने वाली है ना। उस समय जब हम बिस्तर पर लेटे हों और चारों तरफ लोग खड़े होकर यही बोल रहे हों, कुछ देर का मेहमान और है, और हमें भी महसूस हो जाए कि मैं सचमुच कुछ ही घंटे रहने वाला हूं, उस समय मेरे मन की अवस्था क्या होनी चाहिए, क्या होगी,
क्या मैं संतुष्टि भरा समापन करूंगा जीवन को, जीवन का ऐसा लगे कि मैंने जिसके लिए जीवन पाया वह काम मैंने कर लिया, मैं खुश हूं, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे कोई घबराहट नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छा किया है। क्या ऐसा संतुष्टि भरा समापन होने वाला है जीवन का हमारा, या फिर अफसोस भरा समापन? हम में से कई लोग हैं जो अफसोस भरा समापन करने वाले हैं। अफसोस किस बात की? अफसोस इसी बात की कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था जीवन में, मैंने क्या किया? मैं जीवन को सुंदर बना सकता था, मन को निर्मल बना कर सकता था, ध्यान साधना करके जीवन को कल्याणमय बना सकता था, उस आदमी से क्षमा मांग सकता था, उसको क्षमा कर सकता था, शांत मन वाला हो सकता था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये अफसोस भरा समापन हम सबका होने वाला है। लेकिन यदि आप चाहें तो आप अपने अंत को बदल सकते हैं, आप अपने अंत को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज ठीक करके, आज से ही वो तैयारी करें, आज से ही वो काम करें। मैंने कई बार ये प्रसंग कहा है, कभी आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे अभी एक अर्थी गई और वहाँ लोग बैठ करके इंतज़ार करते होंगे कि वो उसको दफनाए, कुछ करें। ऐसे ही जब जिस दिन हमारी अर्थी निकलेगी, जिस दिन मौत होगी और मौत के पश्चात हमारे विषय में श्रद्धांजलि सभा होगी। आजकल होती है ना कहीं कहीं बड़े लोगों के बीच के, बड़े लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है, प्रसिद्ध लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। ऐसे ही आप और हमारे लिए भी जब हमारी मौत होगी उसके बाद श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी, और उस श्रद्धांजलि सभा में चार वक्ता बोलने वाले हैं। चार वक्ता कौन कौन से? चार वक्ता, एक आपके घर के कोई सदस्य, आपके विषय में घर का कोई सदस्य, कोई भी हो घर का, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, चाचा, कोई भी हो सकता है। और क्या बताने वाला है? हमारा यह परिवार का सदस्य हम लोगों के बीच में कैसा जीवन जीता था, इनके साथ रह करके हमें कैसा लगता था, कैसा महसूस होता था, इनका व्यवहार किस प्रकार था, वो सारी बातें लोगों को बताने वाला है ईमानदारी पूर्वक। और दूसरा वक्त आपके मित्रों में से, जिन मित्रों के साथ आप समय बिताते हैं उनमें से कोई एक आएगा, आएगा और बोलेगा। क्या बोलने वाला है? हम मित्रों के बीच में इनका कैसा व्यवहार था, मित्रों के साथ में किस प्रकार यह कार्य करता था, कैसे इनके शब्द निकलते थे, कैसे इनका खान पान होता था, वो सारी बातें बताने वाला है। और तीसरा वक्ता होगा आपके सहकर्मी, जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के साथी, या जिस दुकान में या खेत में, घर में, कहीं भी जिन लोगों के साथ रह करके आप काम काज करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति आएगा और बताएगा ये काम करते हुए किस प्रकार व्यवहार करता था, काम कैसे करता था, काम ये ईमानदारी पूर्वक करता था कि काम चोरी करता था, ये सचमुच लोगों का काम अच्छा करता था कि लोगों को काम को बिगाड़ने में क्या होता है, वो सारी बातें आपके सहकर्मी बताने वाला है। और चौथा वक्ता एक संस्था से, उस संस्था से जहां से आप जुड़े हुए हों, चाहे वो धार्मिक ही संस्था हो, चाहे आप किसी आश्रम में जाते हों और वहां किसी संत से जुड़े हों, गुरु से जुड़े हों, वहाँ का एक संत आने वाला है
और आपके विषय में बताने वाला है आपकी आध्यात्मिक कमाई, आपकी साधनात्मक कार्यकलाप कैसे होते थे। ये जब मंदिर में आते थे, ये जब आश्रम में आते थे, तो इनकी साधना कैसी होती थी, ध्यान चिंतन और सत्संग के प्रति कितनी रुचि थी, इनके मन की स्थिति कैसी थी, वो सारी बातें संत बताने वाले हैं। आपसे एक निवेदन है, आप उन चारों वक्ताओं से क्या सुनना अच्छा लगेगा, आपको क्या सुनना पसंद करेंगे, जो आप सुनना चाहते हैं उन वक्ताओं से वैसा जीवन आज से जीना शुरू कर दें, वैसा जीवन आज से जीना शुरू कर दें। क्या कोई हम ये सुनना चाहेंगे कि ये आदमी झूठ बोलने में एक्सपर्ट था, किसी के सामान को बिना पूछे उठा लिया तो भी परहेज नहीं होता था, कटु बोलता था, गाली देता था, गलत खान पान करता था, दूसरों के साथ छल कपट करता था, दुर्व्यवहार करता था, क्या इस प्रकार के विचार सुनना चाहेंगे अपने लिए? कोई नहीं चाहेगा। घर वाले से सुनना नहीं चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा बहुत करता था, खाने पीने में भी असंयमी था। क्या चाहेंगे सुनना? ये परिवार वालों के साथ में प्रेम से व्यवहार करता था, दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता था, अपनी गलतियों को क्षमा मांग लेता था, खान पान में जो दे दो शांति से भोजन कर लेता था, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता, ये तो सुनना चाहेंगे। लेकिन आप तभी ये बातें सुन सकेंगे जब आप वैसा जीवन जिए रहेंगे। और ऐसा जीवन जिसने जिया कि सचमुच सभी वक्तागण उनकी प्रशंसा करने लगे और सभी उनके प्रति अफसोस करने लगे, समझ लो आपने सफल जीवन जिया है। महात्मा लोग कहानी कहते, बहुत पुरानी कहानी है कि वाराणसी काशी की घटना शायद होगी, वहाँ मणिकर्णिका घाट जहाँ पर मुर्दा ले जा कर के जलाते हैं, तो एक सेठ जी दो कर्मचारी, एक कर्मचारी नियुक्त करना चाहते थे अपने कार्यालय में, तो उसके लिए दो कैंडिडेट आए, दो प्रतिनिधि आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो एक ही चाहिए, और आप लोगों के प्रमाण पत्र को देख करके, पढ़ाई को देख कर तो लगता है कि आप दोनों बराबर हैं, कोई कमी नहीं है पढ़ने लिखने में, डिग्री में कोई अंतर नहीं है, सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं स्कूल की पढ़ाई की अपेक्षा अनुभव को महत्व देता हूँ, मैं कुछ सही समझ को महत्व देता हूँ, मैं परीक्षा लूँगा। और परीक्षा क्या होगी? अभी अभी दरवाजे के सामने से दो लाशें गई हैं, दो अर्थी गई है, जा करके पता लगाओ उन दोनों में से कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक गया है। तो उसमें से एक लड़का था, एक युवक था, वो चला गया दौड़ करके, तो लोग अर्थी ले जा रहे हैं और पीछे पीछे वही बातें जो राम नाम सत्य है यही सब तक कहते हुए जा रहे थे। तो उनमें से एक को पूछा, अरे भैया बताओ बताओ, ये जो आदमी मरा है ना जिसको ले जा रहे हैं जलाने के लिए दफनाने के लिए, वो स्वर्ग गया कि नरक गया? अब कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, कितना नाराज होंगे आप, बड़े मूर्ख हो, कैसी बातें करते हो, ये स्वर्ग गया कि नरक गया जानना है तुम मर के देख लो, क्या बेकार की बातें करते हो, डांटोगे ना। अब उसने कहा सचमुच तो है, कैसे कोई जान सकता है कि स्वर्ग गया कि नरक गया, और बिना वहां पहुंचे उस चीज को जाने कैसे कहा जा सकता है। ऐसा लगता है सेठ जी का प्रश्न ही गलत है। क्या निर्णय करके लौटा? सेठ जी का प्रश्न ही गलत है। उसने कहा सेठ जी आपका तो प्रश्न ही गलत है, उत्तर कहां से, कोई भी नहीं जान सकता है कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। सेठ जी ने कहा ठीक है। दूसरा युवक ने भी वही किया था, वो भी साथ गए और साथ जा करके जब शमशान घाट पहुंच गए तब आपस में चर्चा करते, रास्ता चलते चर्चा कर रहे थे, तो एक टोली में एक जमात में वो शामिल हो गया और कुछ नहीं पूछा किसी से, चुपचाप सुनते रहे।
उसी में से चर्चा होने लगी। एक ने कहा ये आदमी बहुत खतरनाक आदमी था, जीवन भर दुख दिया, जीवन भर इसने मुझे दुख दिया, मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, छल कपट किया, बहुत अन्याय किया। दूसरे ने कहा भैया आपका तो चाचा था, मेरा तो दूर कभी संबंध नहीं था, मैं तो गांव का सदस्य, तो भी मेरे जीवन में हर समय रोड़े रोड़े अटकाता रहा, हर समय मुझे मेरे विरोध में लगा रहता था, मुझे तकलीफ देने में लगा रहता था। इस प्रकार चर्चा करने लगे। तीसरे ने कहा अरे छोड़ो ना, आदमी मर गया, चलो गांव का कांटा ही निकल गया, छुट्टी मिली। उस आदमी ने लिख लिया इस आदमी की आत्मा नरक में गई है। दूसरे के पास चला गया, दूसरी जमात में चला गया और फिर सुनने लगा। उसने कहा भैया ये आदमी कितना सुंदर था, कितना शालीन और कितना नेक इंसान था, सबके लिए अच्छा करता रहा, न केवल परिवार वालों के लिए बल्कि अन्यों के लिए, गांव समाज के लिए, दूसरों के लिए, जहां गरीबी गरीब को देखते उनके सहयोग में लग जाते, जहां मंदिर को देखता वहां पर भी कुछ दान दक्षिणा करने लग जाता, हर काम अच्छा करता था, हर समस्या के समाधान में वो आगे आता था। किसी ने कहा सच कह रहे हो, ये आदमी क्या मरा, गांव का खंभा टूट गया, बहुत बड़ी क्षति हो गई। उस युवक ने क्या लिखा बाद में जो अर्थी जा रही है, उस आदमी जो मरा है उसकी आत्मा स्वर्ग गई है, ये लिख करके ले आया। सेठ जी को बताया कि जो पहले अर्थी गई है, पहले पहली लाश गई है वह नरक गया है और दूसरी वाली स्वर्ग गया है। सेठ ने कहा अकली जाने कैसे, कैसे जान गए। फिर उन्होंने बताया लोगों ने उसके संबंध में कैसी चर्चा की। साहब ने कहा ना सही दानी रही गौ बोल, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सही दानी रही गौ बोल। केवल उसकी चर्चा होती है और कुछ नहीं है। इसलिए जीवन रहते रहते ऐसा जीवन जी लें कि जीने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी हम सही जगह हो सकें। साहब ने कहा ना आप जियत लखू आप ठौर करू मुए कहाँ घर तेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखू आप ठौर करू मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, अपने बंधन को छुड़ाओ, अपने आप को समझो, बंधन का मतलब दुख से मुक्त हो जाओ। दुखी जीवन जीने के लिए हमें कोई अभिशाप नहीं मिला है, किसी ने श्राप नहीं दिया कि आप दुखी जीवन जिए। हमें ऐसा कुछ निर्मित करना है कि हमारे जीवन के दुख घटे और न केवल जीवन के दुख घटे बल्कि शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। कोई असंभव नहीं है यह काम, इसी के लिए तो मानव का जीवन मिला है। मानव का जीवन मिला ही क्यों है, जरा सोचें। पशु पक्षी कृमि कीट आदि मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उनमें स्वतंत्रता नहीं है, उनमें समझ नहीं है, उसमें सोचने विचारने बोलने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य चुनाव करता है, मनुष्य निर्णय लेता है और अपने जीवन को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ सकता है, उस दिशा में ले जा सकता है, अच्छे के लिए बुरे के लिए। हर रास्ता दो दिशाओं की ओर जाता है। देखो मेरे सामने सड़क है, उसकी दो दिशा है, आप ही तो निर्णय करेंगे कि मैं बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं। रास्ता एक रास्ता होता है गलत, एक रास्ता होता है सही। एक भोजन होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, एक दूसरा भोजन होता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानप्रद हो। आपको तो चुनाव करना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है, आप ही को तो चुनाव करना है। एक लेकिन जो रास्ता गलत होता है ना, बड़ा आकर्षित करता है। जो रास्ता सही होता है वो आकर्षित नहीं करता है। हमें ही चुनाव करके उस पर कदम चलाना, कदम रखते हुए चलना पड़ता है। बहुत पहले मैंने एक लेख लिखा था जो पारक में छपा था, दो रास्ते। प्रारंभ में बात आई थी कि एक युवक जा रहा था और रास्ते में आगे बढ़ा तो दो रास्ते दिखाई दिए। तो एक रास्ता बहुत सुंदर, साफ सुथरा और एकदम सड़क भी एकदम चिकनी साफ ग्लेज, और सड़क की दोनों ओर फूल फुलवारी हरियाली, बहुत सुंदर सड़क, इतना साफ सुथरा। और वहाँ पर ढोल बजा करके, बाजा बजा करके स्वागत करने वाले भी थे, नृत्य करने वाले भी थे आपके स्वागत में। लेकिन वहाँ एक बोर्ड लिखा था, बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। एक दूसरा रास्ता था, उस दूसरे रास्ते में सड़कें अच्छी नहीं थी, हरियाली का तो नाम नहीं, उबड़ खाबड़ रास्ता, स्वागत करने वाला कोई नहीं। लेकिन एक बोर्ड वहाँ भी लगा था, उस बोर्ड में लिखा था यह रास्ता परम शांति की ओर ले जाता है। अब आप बताएं वह युवक किस रास्ते में गया होगा, किस रास्ते में गया होगा। मैंने क्या लिखा कि उस युवक की बात छोड़िए, मान लो आप और हम वहां खड़े होते, किस रास्ता का चुनाव करते। मन तो अभी तो कहना बड़ा सरल है, मैं परम शांति को जाने वाले रास्ते का चुनाव करता। लेकिन सच क्या है, अभी आकर्षित कर रहा है ना, अभी आनंद दे रहा है। इसी को उपनिषद में चर्चा आई है, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। ये यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद, उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपनिषद है कठ उपनिषद, उसमें आप ये बात आई है। नचिकेता की वार्ता है यमाचार्य से, उन्होंने ये बात कही है, एक रास्ता है श्रेय मार्ग, दूसरा है प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग का मतलब अभी प्रिय लगने वाला, लेकिन परिणाम अप्रिय होता है, अप्रिय होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है श्रेय मार्ग, अभी अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही प्रियकर, बहुत ही आनंददायक होता है। भोग मार्ग जितने हैं वे सब क्या हैं, प्रेम मार्ग हैं। हमें भोग अच्छे लगते हैं, दृश्य सुंदर दृश्य देखने का आनंद आता है। जब आप टीवी में कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, आकर्षक कोई धारावाहिक फिल्म देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं मोबाइल हो किसी में, आप और देखते हैं। कितने रसिक तो होते हैं। पहले जब गुरुदेव जी कहा करते थे, सिनेमा होता था ना, थिएटर सिनेमा हॉल, तो 3 घंटे तक सिनेमा देखते थे, निकलते थे टिकट कटा के फिर बैठ जाते थे, इतने रसिक होते थे। लेकिन क्या होता था, थकना तो था ही, कब तक देखेंगे। आपको स्वादिष्ट भोजन करने में आनंद आता है, भले ही स्वास्थ्य खराब हो, स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते। अभी क्या कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, खाने को मिले। परिणाम क्या होता है, संयम कष्टप्रद है, सही है ना, संयम कष्टप्रद है, असंयम आनंददायक है। अभी लग रहा है, परिणाम कष्टप्रद होगा। इसी प्रकार साधना, इसी प्रकार सद्ग्रंथ का अध्ययन, ध्यान चिंतन करना, मन नहीं लगता है। कहो ना, आप ही मैं पूछूं, अभी कितने लोग ध्यान करते हैं, कितने लोग रोज पुस्तक पढ़ते हैं, हाथ नहीं उठेंगे, मुझे पता है। इसलिए हाथ उठवाना भी ठीक नहीं है, हाथ उठाना भी ठीक नहीं है। न ध्यान के लिए समय निकलेगा, न स्वाध्याय के लिए समय निकलेगा, न चिंतन मनन के लिए समय निकलेगा। और चाहेंगे क्या, मेरा जीवन आनंदपूर्ण हो, क्यों हो जाएगा, जब आप कामें नहीं करेंगे। उसी प्रकार से है, एक किसान पूरे साल भर खेत में न जाए, 3-4 महीने खेत में जाए ही मत, और आशा क्या करे, मेरे खेत में अच्छी फसल लहलहाए, संभव है।
संभव है? जब आप खेत में जाके काम ही नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से आएगी? आप दुकान में बैठ करके मेहनत नहीं करेंगे तो धन कहाँ से कमाएंगे? प्रॉफिट कहाँ से होगा? नहीं हो सकता है। आपने तो जीवन को आनंद पूर्ण बनाने के लिए मेहनत ही नहीं की है, परिणाम कहाँ से आएगा? तो कृषि की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से नहीं आने वाला है। तो क्या है, प्रारंभ में जो भोग मार्ग होता है वो बड़ा आकर्षक होता है, सुंदर दृश्य देखने का मन करता है, अच्छे अच्छे गीत सुनने का मन करता है, रसिक गीत जो हमारे मन को नुकसान पहुंचाए, ऐसे बातों को सुनने में आनंद ही आता है। चाहे वो निंदा चुगली की बातें हों, चाहे वह अश्लील गीत हों, गाने हों, वो आप देखो ना। मैं तो कई बार जब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं कई गांवों में से, तो होता क्या है, बच्चे निकलते हैं, कई बच्चे या कुछ लोग निकलते हैं और मोबाइल लेकर के निकलते हैं, और मोबाइल में ऐसे ऐसे गीत बजाते हुए निकलते हैं, वो भी सुबह के समय ना। सोचिए तो सही, इतने खराब बातें वो उसमें से आती रहती है लेकिन सुने चले जा रहे हैं, इतना नुकसानदायक है, उसका परिणाम कितना घातक है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो अभी आकर्षक लग रहा है इसके परिणाम को सोचो। अभी आपको गुटखा खाना अच्छा लग रहा है, शराब पीना अच्छा लग रहा है, बीड़ी पीना अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम को देखो जरा से, परिणाम क्या आने वाला है? परिणाम बहुत ही खतरनाक आने वाला है। परिणाम को देख करके कार्य प्रारंभ करें। जो अभी प्रसंग बता रहा था ना श्रद्धांजलि वाला, उसका संदर्भ यही है, अंत को ध्यान में रखकर काम करो, शुरुआत करो, अंत क्या होने वाला है, क्या परिणाम आने वाला है। साधना में, साधना कष्टप्रद है, जैसे विद्यालय में पढ़ने के लिए जब शुरू शुरू में गए, शुरू शुरू में विद्यालय जाने का मन होता था, पढ़ने का मन होता था, नहीं होता था, हजार बहाने बनाते थे, मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे ऐसा है, मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं पढ़ूंगा, बहाना बनाते थे। लेकिन हुआ क्या, फिर भी पढ़ते गए और पढ़ते पढ़ते में रुचि जग गई, और फिर और अधिक पढ़ने लग गए, और पढ़ करके जब हमने डिग्री हासिल की, नौकरी की, और नौकरी में जब तनख्वाह मिली, तब उस समय जो कष्ट हो रहा था अब क्या हो रहा है। कबीर साहब जी ने कहा है, जस दुख देख ही रहो यह अवसर, अस सुख होई है पाए हो। प्रारंभ में जो कष्ट महसूस करते हो साधना संयम में, भजन कीर्तन में, लेकिन अस सुख होई हो पायो हो, जब उसका परिणाम आएगा तो भी आपको आनंद आएगा। तो क्या देखना है, प्रारंभ भले ही कष्टप्रद हो, हमें वह काम करना है, वह काम, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा आने वाला है। ऐसे लोगों से मित्रता करो ही मत जो निंदा चुगली में लगे रहते हैं, जो चोरी हिंसा में लगे रहते हैं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, छोड़ दो ऐसे लोगों को, नहीं तो फिर वो परिणाम गलत आ जाएगा। फिर ऐसे खान पान को छोड़ दो जो आपको परिणाम अच्छा न दे, ऐसे काम की शुरुआत ही मत करो, ऐसे काम की शुरुआत ही न करो जिसे आप जीवन के अंत में न करना चाहो, और उस काम को अभी से प्रारंभ कर दो जो आप जीवन के अंत में करना चाहोगे, और जो आपके लिए लाभप्रद हो, दूसरों के लिए लाभप्रद हो। करो ये काम को, देखो जीवन सबका ठीक हो जाएगा, जीवन उसी का सार्थक है। देखो मौत तो सबकी आने वाली है, लेकिन उसका क्या महत्व है, मौत का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो जीवन का है ना। जीवन कैसे जीते हैं, यदि जीवन ही गलत तरीके से जिए हैं तो मौत के बाद भी हमें वही परिणाम मिलेगा। स्वर्ग वाला काम नहीं किए हैं, आनंद वाला काम नहीं किए हैं, दुख वाला काम किए, अशांति वाला काम किए, तो फिर मरने के बाद कुछ अलग नहीं होता है, वही होता है जो मरने के पहले होता है। जैसे आप जब सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं सुबह, तो क्या अलग होते हैं, वही जो सोने के पहले थे, सही है ना।
सोने के पहले जो आप होते हैं, जागने के बाद भी तो वही होते हैं। बस यही तो है, गुरुदेव जी कहते थे कि मृत्यु क्या है, एक लंबी नींद है, और नींद क्या है, छोटी मृत्यु। जैसे नींद के समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, मौत में भी सब कुछ भूल जाते हैं। जागते हैं फिर याद आती है, अगला जीवन मिलेगा फिर वही जीवन, वही घटनाक्रम, तो वो सारे यादें तो नहीं होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, फिर से वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। यदि आपने अच्छा जीवन जिया है तो अगला जीवन भी अच्छा होगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, यहाँ ही संभल कर ले आगे विसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। जिन जिन संभल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आत ये संभल कियो न जाए। देखिए इन साखियों का अर्थ बताने का अवसर नहीं है, क्योंकि शाम का भी सत्संग होना है, इसलिए आप बीजक में पढ़ें, इन साखियों के समय मिलने पर अर्थ भी होगा, संतजन बताएंगे। और कुछ बातें मैंने कही, मृत्यु निश्चित है सबके जीवन में, जो जन्म लिया है उसको मरना है, पक्का है। गुरुदेव जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता। संप्रति जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते। दादों बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। गुरुदेव जी कहते हैं, जहाँ नहीं तृण भी अपना है, क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए। तू दृष्टा है सारे जग का दृश्य दूर माया है, तू चैतन्य अमर अविनाशी क्षण भंगुर काया है। जग की जितनी स्थितियां हैं भरी शांति सहता से, नित्य निरति से शुद्ध शांत तू स्थित तन्मयता से। जो मिला है वो छूटेगा, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, हम सब भी जन्म लिए हैं, एक दिन मौत आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, मौत आने के पहले जीवन को सार्थक बना लें, जिसके लिए जीवन मिला है वह काम कर लें। वह काम क्या है, शांत मन वाला बने, प्रसन्न मन वाला बने, आनंद का अनुभव करने वाला बने, अपने आप में स्थित हों, यही जीवन की सार्थकता है। दुख और अशांति में समय न बिताएं, प्रेम में समय बिताएं, नफरत और घृणा में समय न बिताएं। जीवन का प्रत्येक क्षण महत्व है, जीवन में जो कुछ आपने कमाया वो सबको दे करके जीवन के एक क्षण को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए बहुत मूल्यवान जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। साहेब बंदर।